मिर्ची का अचार किसे पसंद नहीं है, थोड़ा तीखा और थोड़ा चटपटा। पूरी, नान, रोटी या फिर पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। ये सालों साल चलता है अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए। मैंने पहले भी अचार की कई सारी रेसिपीज बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। अचार बनाते समय बस कुछ टिप्स का ध्यान रखिए, आपका भी अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं हमारी मिर्ची के अचार की रेसिपी की तरफ। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम सरसों के तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल मैंने तकरीबन 300 ग्राम लिया है, क्योंकि जब तक हमारा तेल जो है गर्म होने के बाद ठंडा होगा, तब तक हम अपनी मिर्ची के अचार का मसाला जो है कि तैयार कर लेंगे। इससे जो हमारा टाइम है वो बच जाएगा। तेल को हमेशा गर्म कर कर ही डालिए, क्योंकि इससे इसका जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है। जब तेल में से धुआं निकलने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो मेरे पास तकरीबन 700 ग्राम के करीब मिर्ची है। मैंने इसे अच्छी तरह से धोकर 2-3 घंटे की धूप दिखा ली थी। मिर्ची को हमेशा डंडी के साथ ही धोएं, वरना इसमें पानी चला जाएगा और हमारा अचार खराब हो जाएगा। तो मिर्ची की डंडी हमेशा मिर्ची को सुखाने के बाद ही उतारनी चाहिए। मिर्ची के अचार में हम 1 या फिर 2 नींबू भी डालेंगे, क्योंकि ये एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जिससे कि हमारी मिर्ची का अचार कभी खराब नहीं होता। तो अब हम मिर्ची की जो डंडी है उसे उतार देंगे और इसे बीचों बीच एक इसमें कट लगा देंगे, ताकि मसाला इसके अंदर तक जा सके। ये मिर्ची मेरे अपने ही गार्डन की है, तभी तो इसमें लाल मिर्ची भी है, छोटी मिर्ची भी है, मोटी मिर्ची भी है और गोल मिर्ची भी है। सभी तरह की मिर्ची जो है मैंने इकट्ठी कर ली है एक साथ में। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें मसाले कौन कौन से पड़ेंगे। साबुत मसालों में मैंने लिया है 1.5 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी दाना, 1.5 चम्मच ली है काली सरसों के दाने। अगर आपके पास पीली सरसों के दाने हों तो और भी अच्छा है। हम इस सभी मसालों को पहले 1-2 मिनट के लिए सेक लगा लेंगे, ताकि जो इसमें नमी है वो निकल जाए। अगर आप इन्हें ना भी भूनना चाहें तो 1-2 घंटे की बस धूप दिखा लीजिए और फिर पीस लीजिए। बस इनमें नमी नहीं होनी चाहिए, जिस वजह से हमारा अचार जो कि है खराब हो सकता है। बस हमें इन्हें 2-3 मिनट तक सेक लगवाना है, ज़्यादा नहीं। अब इसमें से खुशबू भी आने लगी है, तो हमारे जो मसाले हैं वो भुन चुके हैं। तो अब हम इन्हें किसी कुंडी या फिर सिलवट्टे में कूट लेंगे। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ इसे दरदरा ही पीसना है। आप चाहें तो यहाँ 1 चम्मच कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, बट उसे पीसना नहीं है, साबुत ही डालना होता है। तो अब इस पीसे हुए मसाले को हम मिर्ची के ऊपर डाल देंगे। तो अब चलते हैं हमारे पाउडर स्पाइसेस की तरफ, जहाँ मैंने कलर के लिए लिया है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये इतनी तीखी नहीं होती, 1.5 चम्मच काला नमक और 1.5 चम्मच सफ़ेद नमक और 1.5 चम्मच हल्दी ली है। अब हम इन मसालों को भी मिर्ची के ऊपर डाल देंगे। अगर आपको हींग का टेस्ट पसंद है तो यहाँ पर आप 1 चम्मच हींग भी डाल सकते हैं। अब हमारे पास जो 2 नींबू थे, हम उनका रस निकाल लेंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो उसकी जगह पर आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। बस 1/2 कप विनेगर हम अपनी मिर्ची के अचार में डाल देंगे। इससे हमारे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ती है और जो हमारा अचार है वो सालों साल चलता है और कभी ख़राब नहीं होता। तो अब इस नींबू के रस को भी हम मिर्ची के ऊपर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हाथ या फिर स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो सारे मिर्ची के साथ कोट हो जाएं। इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि सभी मसाले एक साथ सारी मिर्ची में स्प्रेड हो जाएं। आप चाहें तो यहाँ 1 टेबलस्पून चीनी भी ऐड कर सकते हैं। एक तो चीनी प्रिजर्वेटिव का काम करती है और दूसरा जो हमारा अचार का टेस्ट है वो थोड़ा तीखा और चटपटा सा बनेगा। अब हम इस अचार को किसी भी डिब्बे में भर कर रख लेंगे, या फिर प्लास्टिक का हो या फिर कांच का। अगर कांच का हो तो बहुत अच्छा है। तो मैंने हमारा सारा जो अचार है वो डिब्बे में भर लिया है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि हम अचार बनाने के लिए कोई भी जो चीज़ या सामान यूज़ कर रहे हैं वो एकदम से क्लीन और ड्राई होना चाहिए। उसमें मिट्टी या फिर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिस वजह से हमारा अचार खराब। अचार डालने से पहले हमने तेल को गर्म कर लिया था। तकरीबन मैंने 300 ग्राम लिया था सरसों का तेल, तो अभी वो ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे अपने अचार में डाल देंगे। अगर आप तेल हमेशा गर्म कर कर ही अचार में डालोगे तो आपका अचार भी कभी ख़राब नहीं होगा। अचार में इतना तेल डालें कि जिसमें हमारी सारी जो मिर्ची है वो तेल में डूब जाए।
मैं अभी थोड़ा कम ही डालूंगी क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारा जो अचार है मिर्ची है वो श्रिंक हो जाएगी और तेल की मात्रा बढ़ जाएगी। तो फिर हम 3-4 दिन के बाद देखेंगे कि हमें और तेल डालना चाहिए या नहीं। अब डिब्बे को एक टाइट बंद करके अच्छे से मिक्स कर लें। 3-4 दिन के बाद ये अचार खाने लायक हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत।